स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लूप, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत चला के दिखाया भी था और मैं वापस से रिपीट करा देता हूँ। हुआ था ना रिकॉर्डिंग, देखा ना, कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया था, कैलकुलेटर बनाया था, इसके अलावा एक एज के एज वाला भी हमने सिस्टम बनाया था, नादरा वाला कुछ, तो प्रोजेक्ट बनाए थे दो, जावा स्क्रिप्ट से ही प्रोजेक्ट बनाए थे दो, सही है। तो वीडियो है उसको देख लेना जाकर, ठीक है। आप लोगों का अलग से मैंने वो बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट बनाई हुई आप लोगों की यूट्यूब के ऊपर, सही है, उसको जाके देख लेना, सही है ना। अच्छा यहाँ पर किस नाम से फोल्डर है आप लोगों का, ये वाला है ना MWF, ठीक है। इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर क्लास फाइव हो जाएगा और इसके अंदर आकर इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विद कोड करते हैं। आज जो हमें जो है फोर के लूप को कवर करना है और इसको देखते हैं। मैंने वजह बता दी थी कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसको यूज़ करने की। यहाँ पर आया सही है index.html, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट आ गई। दूसरा यहाँ पर src करेंगे, src के अंदर आके इसका सोर्स डालेंगे script.js, और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लॉग चला लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी फाइल कनेक्ट है या नहीं है, ठीक है, और इसको लाइव करते हैं। अब लूप का काम क्या होता है, कोई भी ऐसा काम जो कि आपको बार बार रिपीट करवाना हो, कोई भी ऐसा काम जो कि बार बार आपको रिपीट करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि जो है 1 से लेकर 10 तक आप काउंटिंग प्रिंट करो, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आप प्रिंट करो, तो जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आकर 1 लिख दोगे, इसी तरह से 2 कर दोगे, 3 हो जाएगा, वो भी कोई दिमाग चलाने के बाद करोगे, ऐसा ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कर दोगे, क्योंकि दिमाग तो बंद होते हैं ना थोड़ा आप लोगों के, तो वो भी ऐसा भी सोचोगे तो दिमाग चलाने के बाद सोचोगे कुछ ऐसा काम हो जाए, तो ये इस तरह से काम हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ से बचने के लिए कि अगर तो अभी तो 10 लाइनें लिखनी है, अगर कल को उसको 100 बोल दे, कोई 2000 बोल दे, 1000 बोल दे, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब बार बार मैसेज अलग करते रहेंगे, नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर हम फिर लूप का यूज़ करेंगे, सही है। हमने लास्ट टाइम देखा था फिर से कंडीशन वगैरह, उसी को हमने यूज़ करके पिछली बार हमने एक प्रोग्राम बनाया था। आज हम फोर का लूप देखेंगे और ये भी इसकी कंडीशन की तरह, जैसे बॉडी इसकी काम करती है, जैसे इसकी कंडीशन होती है ऐसे इसको प्रिंट करवाते हैं ऐसा। यहाँ पर भाई इसकी जगह पर 4 आ जाएगा, बस ये फ़र्क है, लिखा वैसे ही जाएगा ये। अब इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर 3 स्टेट्स होती हैं, सही है, 3 स्टेट होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 चीज़ें लगानी पड़ेंगी हमें। एक यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट आई इक्वल टू, अब वेरिएबल का आप इसके अंदर नंबर देना पड़ता है हमें, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पर वेरिएबल बनाना है, मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ भी लिख दें ऐसे, नहीं, यहाँ पर आपको नंबर देना पड़ेगा कि लूप को आपने चलाना कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से चलाना है, 2 से चलाना है, 5 से चलाना है, जो भी आप नंबर दोगे यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ अब आपने लगाना है सेमी कोलन, क्योंकि वेरिएबल ख़त्म होता है तो सेमी कोलन होता है, जाहिर सी बात है। अब दूसरा आगे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि ऐसा समझ लो कि मैं यहाँ पर वेरिएबल के नीचे एक और आई लगा रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि जो ऊपर आई आ रहा है, ऊपर आई के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैं ऐसा समझ लो कि ऐसा चेक कर रहा हूँ कि जो ऊपर आई है क्या वो आई छोटा है 5 से, समझ रहे हो, मैं ऐसा नीचे कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि आई छोटा है 5 से, ऐसा मैं कंडीशन चेक करी है ना, वो आपसे सेमी कोलन आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे एक और काम करना है। अब वो अगर कंडीशन ट्रू है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आई छोटा है 5 से, तो आप नीचे आके मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, जब अगर आई 5 से छोटा हो यानी कंडीशन ट्रू हो तो आप आई में प्लस कर देना, मतलब कि 5 के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देना अगर कंडीशन ट्रू हो, जब करना है इंक्रीमेंट, मतलब कि जैसे अगर आई बराबर है 1 के, तो यहाँ पर वो चेक कर रहा है कि जो 1 है क्या वो 5 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, 1 को इंक्रीमेंट करेगा। जब वो इंक्रीमेंट करेगा, अब मैं यहाँ पर आके इसकी बॉडी के अंदर आके बोल रहा हूँ, आप लॉक करके दिखाओ आई को कि जो आई में आपने इंक्रीमेंट करा है उसका आंसर दिखाओ कि क्या आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये इस तरह से बार बार कंडीशन चलते रहेगी। अब होगा क्या, सबसे पहले ये इसको देखेगा आई छोटा है, आई बराबर है 1 के, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है कि आई छोटा है 5 से, अगर आई छोटा है 5 से
अभी जिस तरह से मैंने बताया पहले वो इसको इंक्रीमेंट नहीं करेगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था वो इंक्रीमेंट नहीं करता, वो सीधा आता है इधर, यानी कि इसके बाद वो सीधा आके इधर पहले लॉक करेगा। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, जो मैंने इससे पहले जो कोर्स बोला अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। पहले तो ऐसे मैंने सिक्वेंस वाइज से लाया इसको, लेकिन अब थोड़ा चेंज मैंने ये करा कि मैंने बोला कि आई बराबर है 1 के, आई अगर छोटा है 5 के, सेकेंड नंबर पर कंडीशन चेक हो रही है, अगर आई छोटा है 5 से, कंडीशन अगर ट्रू है, अभी इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो सीधा आके पहले कंसोल करेगा इधर, समझ रहे हो? जब वो कंसोल करेगा, क्योंकि आई में क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, तो 1 प्रिंट कर देगा, जब 1 प्रिंट करेगा यहाँ से वापसी से फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, नहीं सॉरी, जब कंसोल प्रिंट करेगा तो उसके बाद इंक्रीमेंट करने के लिए आएगा। अब इधर आई में 1 रखा हुआ था ना, तो इधर आके 1 के अंदर प्लस प्लस करेगा तो 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास वैसे इस तरह से नज़र आएगा, लूप वैसे इस तरह का होता ही है, ठीक है, 4 का लूप इस तरह से होता है। यहाँ पे मैंने पूरी एग्जांपल के साथ समझाया था, किसी ने एग्जांपल मिटा दी है, तो अगर खैर मैं इसको चलाऊँ, जी हल्की हल्की नज़र आ रही है, यहाँ पर मैं अगर इसको चलाऊँ तो ये देखो, यहाँ पर एक अभी मेरे पास असल में वो चल रहा था ना, ठीक है, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा। जब भी लूप के साथ काम करो लाइव सर्वर ऑन मत करना, लूप के साथ जब भी काम करो लाइव सर्वर ऑन करोगे ना तो मसला ये होगा बार बार जो है ना इनफाइनाइट पे लूप चल जाएगा आपका, इनफाइनाइट होते रहेगा पेज। अच्छा अभी यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, 4 तक प्रिंट कर दिया, 5 तक क्यों प्रिंट नहीं करा, इक्वल्स टू नहीं लगाया मैंने, मैंने उसको ये बोला कि 5 से छोटा हो वहीं तक ही प्रिंट करना है, 5 से छोटा तो 4 ही है, मैंने बोला 5 तक भी प्रिंट करना है तो इक्वल टू भी लगा दिया। अब वो क्या करेगा, 5 तक करके दे देगा। अच्छा मैंने इसका तरीका बताया था, मैं वापसी से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ और आपकी वजह से कर रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पर एक 4 का लूप है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास है लेट आई इक्वल टू 1, यहाँ पे सेमी कोलन आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने बोला कि जो आई है, ठीक है, अगर आई छोटा है 5 से, मैं इसको 3 टाइम चला लेता हूँ, अगर आई छोटा है 3 से, और इक्वल टू भी लगा देता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करो, आई के अंदर प्लस प्लस मैंने ऐसे लगाया, ये यहाँ पे इसका ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, ये यहाँ पे इसका स्टार्ट हो गया, और कंसोल के अंदर डॉट लॉक करा दिया, और यहाँ पर आके मैंने बोला आई को प्रिंट करा दो, सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये वाली कि आई छोटा है 1 से, कि आई छोटा है 1 से, मतलब आई बराबर है 1 के, सही है। अब सेकंड नंबर पर यहाँ से वो इस वाली कंडीशन के पास आएगा, समझ लो, अब वो कंडीशन चेक करेगा कि अब 1 छोटा है 3 से, अगर कंडीशन ट्रू है, नहीं उधर नहीं जाएगा, कंडीशन अगर ट्रू है वो नीचे आएगा लॉक की तरफ, तो आके आई के अंदर देखेगा कि आई को प्रिंट कर दो, तो ऊपर आई में क्या रखा हुआ था, 1 रखा हुआ था, तो यहाँ पे वो बाहर क्या प्रिंट कर देगा, कंसोल के अंदर 1 प्रिंट कर देगा, कंसोल ओवर है ना, कंसोल में 1 प्रिंट करेगा, फिर वो यहाँ से आई से वापसी से जाएगा इंक्रीमेंट की तरफ, जब कंसोल कर देगा, कंसोल करने के बाद जाएगा सीधा इंक्रीमेंट की तरफ, और जाकर देखेगा कि आई के अंदर प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है, तो इस आई के अंदर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, जब वो 1 में इंक्रीमेंट करेगा तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। अब हमने ये देखा था कि जब भी कोई वेरिएबल बनाते थे लेट इक्वल टू लेट आई इक्वल टू, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को अपडेट करने के लिए अगर यहाँ पर आई लिखें, इस पर 2 कर दें, तो ऊपर वाला आई भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, जब आई ये इंक्रीमेंट होने के बाद 2 बना, तो ऐसी बात है, ये ऊपर वाला आई भी जो है वो भी 2 बन जाएगा, सही है, ये भी 2 बन जाएगा, तो अब वापस से कंडीशन चेक कर रहा है, अब यहाँ पर आई में क्या आ रहा होगा, 2 अपडेट होने के बाद 2 आ रहा होगा, तो अब ये मैंने बोला कि जो आई है, मतलब कि जो 2 है, क्या छोटा है वो 3 से, गर्मी नहीं है, तो वो इंक्रीमेंट से पहले वो इधर आएगा, वापस से कंडीशन चेक करेगा, देखेगा 2 अगर छोटा है 3 से, तो फिर वो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे कंसोल में आएगा, कंसोल में आने के बाद वो अब 2 प्रिंट कर देगा, क्योंकि ऊपर 2 था ना, तो कंसोल में उन्होंने 2 प्रिंट करा, 2 से वापसी जाएगा इंक्रीमेंट करने, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, इसके अंदर फिर प्लस प्लस करेगा, अब वो 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और जब मैंने बोला कि वो अपडेट करेगा तो जाहिर सी बात है ये वाला भी अपडेट हो जाएगा, 3 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, तो अब वो पिक्चर कंडीशन चेक कर रहा है कि आई छोटा है 3 से, मतलब 3 छोटा है 3 से, नहीं है, लेकिन इक्वल 2 तो लगा हुआ है, तो मतलब इक्वल तो है, छोटा नहीं है, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू आ रही है, तो नीचे आएगा, अब वो क्या प्रिंट कर देगा, 3,
छोटा है 3 से कंडीशन 4 से तो अब लूप रुक जाएगा, समझ रहे हो, अब लूप रुक जाएगा और कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा वो, सही है। तो इसी तरह से ये कहानी बार बार जब तक, अगर जैसे अभी हमने 3 तक चलाया इसको, अगर हम 100 कर रहे हैं 1000 कर रहे हैं, ये काम सेकंड के अंदर होगा, ठीक है। मशीनरी लैंग्वेज है ना, मिनट सेकंड लगाएगी इसको प्रिंट करने के अंदर ये। अगर हम मतलब आई की वैल्यू को फोर कर दे, सही है, फिर क्या होगा, फिर इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। आई की वैल्यू को फोर कर दे, इनिशियलाइज फोर कराएं और हम पहले शुरू में 3 लिख दें, मतलब आप ये बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ और ये वाला मेरा 3 हो जाए, ऐसे बोल रहे हो। तो यहाँ पर इस तरह से करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, कंडीशन स्टार्ट से गलत हो रही है। देखो मैंने बोला आई बराबर है 4 के, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो आई ए क्या वो छोटा है 3 से, आई छोटा है, कंडीशन 4 से लूप ही नहीं चला। इनफाइनाइट पता कब होगा, इनफाइनाइट जब होगा जब मैं इसको माइनस माइनस करूँगा, समझ रहे हो। अच्छा अभी भी सबर करो, इसको माइनस माइनस करूँगा, इसको ग्रेटर देन लगा देता हूँ और यहाँ पर अभी ये इसको प्लस प्लस पे जाऊँगा। अभी ये समझाता हूँ इनफाइनाइट कैसे होगा, ये अभी देख लो ये इनफाइनाइट हो गया, अब ये कभी भी नहीं रुकेगा, पूरी ज़िंदगी नहीं रुकेगा। और अगर इसको मैंने चलता छोड़ दिया ना, आपका पीसी पूरा बंद हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, जाम हो जाएगा, फिर वापसी विंडो नहीं करानी पड़ेगी, समझ रहे हो। अगर किसी दुश्मनी वगैरह लेनी है तो 4 का लूप चला देना इनफाइनाइट करके उसके पीसी के अंदर, समझ रहे हो। और बताना नहीं चुपचाप से, जो है इसको ऐसे कर देना, समझ रहे हो, ताकि उसको पता नहीं चले काम हो रहा हो। तो ये इसको मैं बंद कर रहा हूँ, वरना तो जो है ना बहुत ज़्यादा हैंग हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने इसको लेस देन लगा लिया और ये वापसी से अब ये रुक जाएगा, समझ रहे हो बात को, क्या। हाँ तो वो भी घूम जाएगा, बोलता ना पीसी जाम हो जाएगा, अभी तो कैन नहीं होगा इतनी जल्दी, लेकिन थोड़ी कंडीशनों के बाद जाके ये जाम हो जाएगा। ये यहाँ पर आया, कंट्रोल वी करा, इसको हटा दिया, तो यहाँ पर मैं आया, ठीक है। अभी तो कंडीशन फॉल्स है, मैं यहाँ पर आकर इसको 1 कर देता हूँ और मैं 3 तक प्रिंट कराना है तो 3 तक आ जाएगा आंसर, समझ में आ गया। तो ये सिंपल 4 का लूप था। अगर यहाँ पर अब तो मैंने आई को प्रिंट कराया है, आप एक चीज़ याद रखो कि कंसोल के अंदर आप कुछ भी लिख दो, इस आई की जगह पे आप कुछ भी लिख दो, ये उतनी दफ़ा उसी को प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अली, तो अब 3 दफ़ा अली अली कर देगा वो, समझ रहे हो। मैं यहाँ पर अगर आके लिख दूँ 1, तो वो 1 1 1 कर देगा 3 दफ़ा, वो इसको नहीं देखेगा इसमें क्या लिखा हुआ, उसका काम बस यही है कि यहाँ पे उसको जो भी मिलेगा इसकी बॉडी में उसको प्रिंट कर देगा वो, और उसको ही प्रिंट करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आई इधर आ रहा है या 1 इधर आ रहा है, 3 आ रहा है, कुछ नहीं देखेगा, बस वो आई देंगे तो, क्योंकि आई तो हमारे पास बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो तो आई के अंदर तो ऐसे करेगा। आई की वैल्यू को सम कराना हो तो कैसे करवाएंगे, मतलब समझा नहीं, मतलब कि जैसे कि पहले आई की वैल्यू 1 है, सही है, 1 में प्लस होगा 2, सही है, सही है, ठीक है। इसके लिए चलो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, सही है, इसके लिए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि हम नंबर लेंगे यूज़र से, हम नंबर लेंगे यूज़र से, जो यूज़र नंबर दे रहा है, जैसे 50 दे रहा है, तो हम 50 को जो एक एक करके लूप चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारों का सम चाहिए। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ, जैसे कि यूज़र ने दिया 50 या 10 की एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूज़र ने बाहर से प्रॉम्प्ट के अंदर दिया 10, समझ रहे हो। तो जब आपको पता लूप चलेगा तो 1 चलेगा पहले, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 ऐसे चलेगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि पहले 1 जो आया है 1 के साथ प्लस हो जाए, उसके नीचे वाला नंबर 2, फिर जो इसका सम आएगा इक्वल टू नहीं होकर जो इसका सम निकलेगा क्या निकलेगा, 3। तो अब ये बोल रहा है फिर 3 के साथ प्लस हो जाए उसके नीचे वाला नंबर 4, जब 4 का सम निकलेगा इक्वल टू होकर बनेगा 7, तो अब ये बोल रहा है 7 के साथ प्लस हो जाए 8, ऐसे ही बोल रहे हो ना। तो जी तो 7 में 8 प्लस करेंगे तो 9 कब होगा, भाई 1 प्लस 1 नहीं कर रहा, नहीं देखो ये मेरा पास 1 आ रहा है, जो यूजर ने 10 दिया है 10 तक चलेगा ये 5 6 7 8
नाइन टेन समझ रहे हो। तो ये बोल रहा है कि वन के साथ जो इसके नीचे वाला नंबर आ रहा है पहले वन प्लस हो जाए टू के साथ, आंसर क्या निकलेगा थ्री। जब वो प्लस हो जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा थ्री। तो अब ये बोल रहा है कि थ्री के साथ नीचे वाला नंबर प्लस हो जाए सिक्स हो जाएगा, तो ये पूरा मिलाकर क्या बन जाएगा एक्स सिक्स बन जाएगा, समझ रहे हो। अब वो देखेगा सिक्स के साथ फोर प्लस करना है तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा टेन। अब टेन के साथ फाइव प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा फिफ्टीन, फिफ्टीन के साथ सिक्स प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी एट हो जाएगा। इसके साथ प्लस करेगा आठ को थर्टी सिक्स, सही है। थर्टी सिक्स के साथ अब नाइन को प्लस करेगा फोर्टी फाइव हो जाएगा, फोर्टी फाइव का ये फिफ्टी फाइव हो जाएगा, समझ गया। इस तरह से बोल रहा होना चाहिए। तो अभी तो हम हाथ से कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर यूजर हज़ार नंबर दे तो हज़ार का सम निकाल के दे दे वो एक एक करके। तो इस टाइप का काम करना है हमें, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी लॉजिक लगेगी। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक प्रॉम्प्ट लेते हैं सबसे पहले। अच्छा मैं इसको जो है ना लाइव सर्वर पे नहीं चलाऊंगा क्योंकि इनफाइनाइट लूप चल जाएगा मेरा, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पर आके बंद कर लेता हूँ, मैं अलग से चलाऊंगा इसको, यहाँ पर आके इसको अलग से चलाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या लिया, एक ले रहा हूँ यूजर से वैल्यू। मैं यहाँ पर यूजर से एक वैल्यू ले रहा हूँ जिसके अंदर प्रॉम्प्ट के अंदर आएगी वैल्यू, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैं बोल रहा हूँ एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर, ठीक है। अब ये जब चलेगा तो नंबर को देने के लिए हम यहाँ पे पीछे प्लस लगा देंगे, समझ रहे हो, ताकि नंबर में आंसर दे। अब मैं ये बोल रहा हूँ लूप जब तक चले यूजर वैल्यू तलक, यानी कि नंबर जो पहले हम हाथ से लिख रहे थे कि टेन तलक चले फाइव तलक चले, अब जो यूजर नंबर देगा वो नंबर खुद ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा और इधर तक लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को क्या बोल रहा हूँ। पेज रिलोड करा, नंबर मांग रहा, पचास दिया, पचास तलक चल गया। पेज रिलोड करा, हज़ार दिया, हज़ार तलक चल गया। तो अब ये कब तलक चल रहा है, जब तक यूजर जो नंबर दे रहा है जब तक ये लूप चल रहा है, यहाँ तक कोई सवाल है। पहले हम सिर्फ फर्क क्या हुआ, पहले हम हार्ड कोड लिख रहे थे ट्वेंटी, तो वो हार्ड कोड में चाहे इसको अब इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है, वो ट्वेंटी देगा क्योंकि ट्वेंटी हमने हाथ से सेट कर दिया। अब हम सेट कर रहे हैं यूजर के ऊपर, अब जो यूजर नंबर देगा उतना प्रिंट करके देगा ये, समझे। अब यूजर जो नंबर दे रहा है इसको सम करवाना है बार बार, तो आप ये देखो कि सम कराने के लिए कोई ना कोई तो एक जगह देखो, सम जब भी होगा तो दो वैल्यू के साथ होगा, इधर वन के साथ टू होगा, तो मतलब क्या है दो वैल्यू है, ऐसे सिंगल नहीं हो सकता कि वन प्लस खुद ही आ जाए नेक्स्ट टाइम प्लस टू हो जाए खुद ही, एक एक चीज़ होनी ज़रूरी है। तो एक चीज़ उसको हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं एक वेरिएबल लेट इक्वल टू, लेट सम कर लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि ये क्यों दिया मैंने, मैंने इसलिए दिया फर्स्ट टाइम पे वो वन आ रहा होगा, टू आ रहा होगा, थ्री आ रहा होगा, फोर आ रहा होगा। मैं ये करूँगा कि जो मेरे पास ज़ीरो आ रहा ऊपर आला, इस ज़ीरो के साथ आप प्लस कर दो सबसे पहले वन को, मतलब कि इसके साथ आप प्लस कर दो वन को, अभी दोनों मिला के क्या बन जाएंगे वन बन जाएंगे, तो इस तरह वो वन बनाएगा। अब फिर वो उस वन के साथ प्लस करेगा टू को, फिर वो बनेगा थ्री, इसलिए मैंने लिया क्योंकि फर्स्ट टाइम पे तो कोई दूसरी वेरिएबल चाहिए हमें जिसके साथ वो सम करेगा, इस चीज़ को समझे, कोई दूसरी वेरिएबल चाहिए जिसके साथ वो सम करेगा, तो हमने जीरो ही दे दिया, खेल लो इसके साथ सम करो, समझ रहे हो। तो अब समझना थोड़ी सी हार्ड है ये, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने बोला कि ये जो सम आ रहा है ऊपर वाला जो सम आ रहा है आप इसके अंदर प्लस कर दो आई, आई में आपको पता है वन टू थ्री फोर फाइव हर बार लूप चलते रहेगा जी, समझ रहे हो। तो सबसे पहले इस सम में क्या आ रहा होगा जीरो, तो जीरो के साथ वो प्लस करेगा आई का वन को। तो अब मैं यहाँ पर ये हो तो गया, ये हो गया ठीक है, लेकिन अब इस वैल्यू को ऊपर भेजना है हमें, अपडेट करवाना ऊपर वाले को, क्योंकि वो वन होगा जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इधर वन आ रहा होगा जब भी, तो वो प्लस टू करेगा तो टू और वन दोनों को प्लस करेगा, तो इसका मतलब
है कि ऊपर वाली वीडियो तो चेंज हो ही नहीं रही अभी तक हमारी, ये तो सिर्फ नीचे काम हुआ है ना कि इसके साथ प्लस कर दो आई को, इसको ऊपर अपडेट भी भेजवाना है कि भाई अपडेट हो गया, ये डेटा अपडेट कर दिया मैंने, आपका जीरो को वन बना दिया। जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल देके समझाया कि मेरे पास अगर जीरो है एक, जो कि मैंने बाय डिफॉल्ट जीरो देके रखा, जब लूप चलेगा वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, तो जब वन के साथ जीरो प्लस होगा तो जीरो भी क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, मतलब कि वो जीरो भी अपडेट हो जाएगा। तो ये काम करवाना आपके, तो आपको पता है कि अपडेट कराने का तरीका क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेट है और यहाँ पे आ रहा नम इक्वल टू टेन, अगर नम को अपडेट करना है, टेन करना है, टेन को चेंज करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा नम इक्वल टू ट्वेंटी, तो ऊपर वाला नम क्या बन जाएगा, ट्वेंटी अपडेट हो जाएगा। तो सेम यही तरीका यहाँ पर होने वाला है, मैंने बोला ऊपर वाले सम को चेंज कर दो, अपडेट कर दो, वापसी से उसका नाम लिखा मैंने, मैंने बोला अपडेट क्या करो आप, इसका जो दोनों को मिला के एक आंसर आ रहा है, मतलब जीरो और प्लस वन मिला के जो आंसर आ रहा है वन हो गया, तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पर वन आ रहा होगा दोनों का सम होकर। तो जब ऊपर वाला सम जो है अपडेट हो जाएगा तो आंसर क्या निकलेगा, वन बन जाएगा, ऊपर वाला वन बन जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क ये है कि ये हम हाथ से वन लिख रहे हैं, वो किसी कंडीशन के ब्याह पर वन बनेगा, किसी लॉजिक के हिसाब से वन बनेगा। वो कान यहाँ से पकड़ लो, वहाँ से पकड़ लो, बात एक ही आ रही है, समझ रहे हो, फिर काम डिफरेंट है बस करना। तो इस तरह से अब वो क्या करेगा, मैंने बोला कि जो अब आपका आंसर आ रहा है लॉक करा के मुझे दिखाओ, कि जो अब सम के अंदर ऐसी बात है सारे अपडेट हो गए होंगे, प्लस हो रहे होंगे, अपडेट होकर तो वो आंसर अब क्या आ रहा है, ये जो टोटल सम हुआ है वो क्या आ रहा है आंसर। हमने लास्ट टाइम टेंथ तक चलाया था तो 55 आ रहा था, याद है, हम उसी पे ट्राई कर लेते, हमें पता चल जाएगा सही दे दिया इसने आंसर, ठीक है। पेज को रिलोड करा, मैंने चलाया 10 तक, अभी क्यों नहीं हुआ, नहीं ना, सही है सही है, यहाँ पे असल में मुझे आई करना था ना, क्योंकि आई में 1 2 3 4 आ रहा होगा ना, तो जो वैल्यू आ रही होगी एक एक करके वो इस वाले सम के अंदर अपडेट होती जाएगी, समझ रहे हो। पेज रिलोड करा, 10 करा, क्या आ रहा है, 55 आ रहा लास्ट में। अगर मुझे एक ही दफा टोटल सम देखना है तो इसको उठा के बाहर रख दो, क्योंकि बाहर वाले में आंसर आ रहा होगा ना अपडेट होगा। तो मैंने बोला ये दिखा दो क्या आ रहा है, 10 तक चलाया, टोटल सम दे दिया 55। पेज रिलोड करा, 1000 करा, अब 1000 का सम दे रहा है ये 50,500। मैं इस पे कुछ भी नंबर लिख दूं, अभी इन सबका सम दे रहा है ये, एक के साथ एक प्लस 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 कर करके, ये समझ में आ गया, कोई सवाल है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ये सही है भाई। अब आगे चलते हैं, अब हम यूजर से इसमें कुछ और भी काम करा सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं और क्या करा सकता हूँ, एक हम ये करा सकते हैं कि पहले नंबर पर यूजर जो है एक अपना नंबर दे के लूप को इतनी दफा चलाना है, समझ रहे हो, कि लूप को 10 दफा चलाना है, दूसरे में वो उसको जो कंसोल में प्रिंट कराना है वो देगा, दूसरे में वो क्या देगा, जो उसको प्रिंट कराना है, पहले नंबर, पहले पे नंबर देगा जिस पे ये आ रहा होगा कि लूप इतनी दफा चलना चाहिए, दूसरे पे वो अपना नाम देगा कि मेरा नाम ये इतनी दफा प्रिंट होकर आया जितना उसने नंबर दिया था। कैसे होगा, आइडिया लगाओ, बात समझे मैंने बोला क्या, दो प्रॉम्प्ट आएंगे, पहले पे वो नंबर देगा जितनी दफा उसको लूप को चलाना है, सेकंड पर एक और प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें वो अपना नेम देगा, पहले में वो जितना नंबर देगा उतना पे लूप चलेगा, सेकंड में वो नाम देगा हमें उसको प्रिंट कराना है। सही है, सही है, सबर सबर, एक एक करके, सेट यूजर वैल्यू आ जाएगा, प्लस लगा के प्रॉम्प्ट आ जाएगा। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एंटर योर नंबर, अब आप बताओ सेकंड पे क्या होगा, अभी तो ये पहला प्रॉम्प्ट चला है इसमें तो नंबर देगा, दूसरे में वो अपना नाम देगा, फर्स्ट पे नंबर देगा यूजर, सेकंड पे अपना नाम देगा, तो अब क्या करना पड़ेगा नाम लेने के लिए। सही है, एंटर योर नेम आ जाएगा, यहाँ पर यूजर नेम कर लेते हैं,
आप बताओ आप क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलो क्योंकि वीडियो में सब टाइम निकल रहा है। ईमेल भाई डेटा नहीं बनाना है, प्रोग्राम समझे काम आ रहा है भाई। पहले पे यूजर नंबर देगा, वो नंबर होगा जितनी दफा वो लूप चलाना चाह रहा है यूजर। सेकंड टाइम पे वो अपना नाम देगा जो कि वो चाह रहा, जब इतनी दफा लूप चले तो वो नाम मेरा प्रिंट होकर आते रहे बार बार, समझ रहे हो। तो दोनों चीजें तो हमने ले ली, अब तीसरे नंबर पे क्या बनेगा, क्या करूंगा अब मैं, क्या करना है मुझे, सम क्यों कराना है, मैं सम करवा रहा हूँ, मैंने कहीं बोला प्रोग्राम में सम करना है, मैंने कहीं बोला क्या, बराबर बराबर छोड़ दो, आप बताओ जल्दी बताओ भाई, इतना इजी तो है, दिमाग नहीं चला रहा हूँ, रट्टे पे ध्यान दिया हुआ फुल, केवल लूप ऐसे चल रहा है बस, आप बता सकते हो। अब लूप चलाएंगे सिंपल तो है, क्या दिमाग भस्ट हुआ हुआ है क्या भाई, लूप चलेगा जब ही तो काम होगा ना, जब लूप ही नहीं चलेगा तो काम कैसे होगा। अच्छा यहाँ पे मैंने करा लेट आई इक्वल टू वन आएगा, अच्छा चलो फिर चलो, अब यहाँ पर आई लेस देन, अब क्या आएगा इसके आगे, चलो दोनों बताओ, अब यहाँ पर क्या आएगा, सही है यहाँ पर ये वो ये लूप वहां तक चलेगा जो यूजर नंबर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आई के अंदर इंक्रीमेंट करा दूंगा, ठीक है। अब कंसोल के अंदर अब क्या करूंगा मैं, अब क्या कंसोल कराना है मुझे, सम कहाँ से आ गया, जो नाम आ रहा है भाई, यहाँ पर यूजर नेम आ जाएगा, यानी कि जो जितनी दफा लूप चलेगा कंसोल के अंदर, पहले हम हार्ड कोड वैल्यू दे रहे थे जिसे ऊपर हमने देना देखा था, यहाँ पे बस अब ये जो यूजर दे रहा वो आएगी इधर, समझ रहे हो। और इसको मैं स्क्रीन पे शो करा देता हूँ, इसको कंसोल में नहीं कराऊंगा, इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा रहा हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट WRIT राइट, पेज को रिलोड करा, पहले के अंदर वो इंटरव्यू नंबर मांग रहा है, मैंने बोला 10 दफा चलाना है, अब वो नाम मांग रहा है, मैंने दे दिया अली, अब ये NAN आ रहा है, क्यों आ रहा है मुझे कोई बता सकता है, NAN आ रहा, नाम आना चाहिए था जबकि आपने उसकी स्ट्रिंग नहीं लगाई, किसमें मुझे गलती नजर आ रही है, हाँ यूजर नेम को नंबर बनाया हुआ है ना भाई, यूजर नेम आ रहा हो तो स्ट्रिंग में होगा, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ नंबर के अंदर, प्लस लगाना है मतलब क्या है, जो डेटा है नंबर हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, पेज को रिलोड करा, मैंने बोला 10 टाइम चलाना है अली, अब बताओ अब क्या मसला आ रहा है, रुक जाओ सबर करो मैं एक दफ़ा और ट्राई करूँ, अब सही आएगा क्योंकि पेज रिलोड सही नहीं हुआ था वो, समझ गए क्या, अभी सारा कुछ खुद ही ने लिखवाया, बोलो नहीं समझे देखो इसको पढ़ो समझो, पानी तो लेकर आओ, देखो आपको मैंने बताया था कि जो प्रॉम्प्ट है डेटा जो वैल्यू रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग में होती है, हमें उसको कन्वर्ट करवानी होती है नंबर में, तो हम पहले प्लस लगाते हैं, तो हम उसको प्लस लगाते हैं पहले, तो जब वो नाम आ रहा है नाम को क्या नंबर में कन्वर्ट कराएंगे, तो इसलिए हमने प्लस हटा दिया कि वो स्ट्रिंग में आ रहा है, स्ट्रिंग में हमें चाहिए, समझ गए, तो NAN आ रहा है, NAN का मतलब है नोटा नंबर, कि नाम जो आ रहा है वो नंबर नहीं है, तो नाम आ रहा है वो नंबर नहीं है, वो तो स्ट्रिंग है खुद, इसलिए वो NAN का एरर दे रहा है वो। अच्छा अभी हमने देखा फोर, अब एक और चीज आती है व्हाइल, व्हाइल लूप, सही है, अभी तीन चार लूप आने वाले, टेंशन नहीं लो, यहाँ पर आया उसको कमेंट करा मैंने, अब बारी है व्हाइल लूप की, ठीक है, तेज चलो, तेज क्या आप प्रैक्टिस कर, आप प्रैक्टिस
लेकिन वो तो कौन कौन से हर किसी समझा रहे थे भाई, तो तेरे को लग गई कि बड़ी ऑफर है, माफ कर देना। नहीं तुम बोलोगे तो मैं समझाऊंगा नहीं, मैं तो रॉकेट बना के ले जाऊंगा। आप ही तो बोल रहे हो कि भाई समझाने से लंबा हो रहा है, कि तस्वीर स्पीड में सिलो चल रहे हैं भाई। कल की जो क्लास मैंने इसी कंडीशन में गुजारी है ना, वो नहीं गुजरनी चाहिए थी। ये कल का टॉपिक था मेरा, मैंने दिन डिवाइड करा है, याद है उस दिन नीचे बैठ के मैं आपको लोगों का दिन डिवाइड करा था, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ सबको। आप खुद प्रैक्टिस करने में सिलो, समझ रहे हो? आप लोगों को एक दिन छोड़ के एक दिन तो जो दिया जा रहा है वो ये रीजन से दिया जा रहा है कि बंदा प्रैक्टिस करेगा घर पे। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद प्रैक्टिस में स्लो कर रहे हो। मेरा काम तो ये है कि मेरे को तो अपनी हमारी रूटीन बनी हुई है, एक साल में कोर्स खत्म करना है, इतने दिन डिवाइड है, इतने इतने दिनों में एक करना है, जिसमें से मैंने एक दिन ज़ाया कर दिया पिछला वाला, सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए कि समझ में आ जाए। अब प्रैक्टिस करने में आप लोग स्लो हो रहे हो तो इसमें मेरे गलती क्या? ये भी ये कल का टॉपिक था, आज कल भी व्हाइल लूप भी पढ़ाना था, कल मुझे व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप कल ही पढ़ा देना था। आज तो हमारे स्ट्रिंग के मेथड स्टार्ट होते हैं, वही चीज स्ट्रिंग के मेथड आगे चलते आज हम। कोई सवाल है यहाँ तक? प्रैक्टिस को थोड़ा स्पीड में लेके चलो। वीडियो जो है बनती टोटल एक घंटे की, यहाँ पे ही पढ़ रहे हो, वीडियो से ही पढ़ रहे हो, अब तो जल्दी पिक करना चाहिए। देखूंगा ना टास्क है तो, ये तो कुछ टास्क नहीं है, अभी खतरनाक टास्क अब आने वाला है, अभी वाइल्ड लुक में आएगा। अच्छा हीरो इसको बंद कर दो, ये छोड़ दो, ये आर्मी का नेवी का लेके बैठ गया, इसको देख रहे हो जावास की कुछ समझ नहीं आ रही है, उसको देख रहे हैं। अच्छा वाइल का मतलब है, अगर मैं उर्दू में इसकी वाइल की बात करूँ, जब के मतलब के जब चले, जब मैं जाऊँ, समझ रहे हो? वाइल का मतलब क्या उर्दू में? जब के मतलब जब मैं चाहूँ जब चलेगा। इसमें आ जाती कंडीशन, अब जब मैं चाह रहा हूँ, जब का मतलब यानी कि अगर मैं चाहूँ, ऐसा समझ लो जैसे इफ है, हमारी मर्जी से चल रहा है, अगर ये हो तो ये। वाइल का थोड़ा डिफरेंट है, जब चले जब मैं इसमें चाहूँ, समझो? हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ इसका मतलब यही है, काम ये पूरा तकरीबन यही कर रहा है। अब ये देखो पूरा का पूरा सेम वही काम करेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी, मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। जैसे कि यहाँ पर जो चीज़, यहाँ पे जो चीज़ एक बार लाइन से चल रही थी, पहले क्या हो रहा था, ये होता था, सेकेंड टाइम पे ये चलता था, थर्ड पे ये चलता था, फोर्थ पे ये चलता था, ऐसे ही था। यहाँ पे बस वो चीज़ें लाइन से उतार दी गई हैं, यहाँ पे वो चीज़ें लाइन से उतार दी गई हैं। कैसे? लेट आई इक्वल टू ज़ीरो, अब आपने फोर की बजाय, अब आपने फोर के बजाय पे अब लगाना वाइल, वही राउंड ब्रेकेट लगेंगे, वही वो आ जाएगा, सब कुछ वही आ जाएगा। अब इसके अंदर सेकंड नंबर पे हम क्या चेक करते थे? कंडीशन। तो यहाँ पे अब हम ये बोल रहे हैं कि आई अगर छोटा है 10 से, फिर हम यहाँ पे क्या करते थे, कंसोल करवा दो, यहाँ पे भी वही होगा कि कंसोल करा दो इसको आई को, फिर हम क्या करते थे प्लस प्लस कर दो, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आई में प्लस प्लस कर दो, समझ गए बात को? बस वहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के आगे पीछे करके था, यहाँ पे सीधा लाइन से उतार दिया गया, बस यही फर्क है इसमें। काम ये वही करके देगा, काम ये वही करके दे रहा है। नाइन तलक क्यों कर रहा है कि इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो ये पूरा टेन तलक कर देगा। अब ये जो है यहाँ पर दिख तो एक जैसा रहा चलता हुआ, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, दिख तो एक जैसा रहा वो जैसा चल रहा है। अभी भी देखो मैं समझा भी देता हूँ कैसे चल रहा है। मैंने बोला आई बराबर है जीरो के, अगर यहाँ पर आई छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप कंसोल में आई प्रिंट कर दो, फिर बाद में प्लस प्लस कर दो, फिर घूम के वो इधर आ जाएगा। जब वो प्लस प्लस होगा तो वो आई क्या बन जाएगा, जीरो था वन बन जाएगा। हमें बोला वन छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है, फिर आके वो वन को टू को प्लस कर दे, फिर चलता रहेगा, कंडीशन फोल फोल जो है फिर रुक जाएगा, वैसे ही हो रहा है। लेकिन
कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि वाइल लूप से ही पॉसिबल है, फॉर लूप नहीं कर सकता। कुछ काम ऐसे हैं जो कि वाइल लूप ही कर सकता है, फॉर का लूप नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो अभी जो मैं टास्क देने वाला हूँ ये सिर्फ वाइल लूप से ही पॉसिबल है, फॉर के लूप से नहीं हो सकेगा, भले ट्राई कर लेना, समझे। तो चल तो एक जैसे रहे, इसमें मतलब नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर वाइल जो आ जाते हैं जब बोलूं जब चलना चाहिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर आके कॉन्सेप्ट चेंज कर देता है। यहाँ पर इसके अंदर इसकी ये खासियत है कि यहाँ पर अलग से हम कंडीशन भी दे सकते हैं। इसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट बने हुए, इसके अंदर कंडीशन दे देते हैं कि अगर आई लेस देन है 10 से ये वो जब चले, तो ये वही जब है, ये वही वाला जब है। यहाँ पर तो अभी ये कंडीशन दी हुई है, हम कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे इस जगह पे वो नहीं कर सकते, फोर के अंदर एरर आएगा। इसमें स्टॉपिंग कंडीशन यही वाली होगी जैसे हमने दी है, या तो यूजर दे देगा या तो हम आज से दे देंगे 10। यहाँ पर जो है हमारी मर्जी की, हम हर चीज कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। यस वो सोर्दा भी वो कंफ्यूज है, उसको अभी मेरा टास्क है, अभी मेरा टास्क दे रहा हूँ। पहले मैं एक और लूप पढ़ा देता हूँ। देखो ये इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। हाँ, देखो अगर मैं ट्रू लिख दूंगा ना, इसमें हाथ से इनफाइनाइट चल जाएगा। अगर मैं हाथ से ट्रू लिख दूँ इसमें इनफाइनाइट चल जाएगा। चलते रहेगा। अभी ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है। मतलब ये बोलता है ना, जब तक चलते रहूंगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, तो लाइफ टाइम के लिए ट्रू कर दिया हमने। तो वह ट्रू हो गया, तो इसका मतलब है अब वो चलते ही रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर इसको फॉल्स कर दूँ तो चलेगा ही नहीं, वो रुक जाएगा वो वहीं पर ही, वो समझ रहे हो। तो खैर ये अब जाम होने की तैयारी में है, ये अब हो जाएगा सेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा ये। अच्छा समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसको वैसे ही रखते हैं जैसे हमने करा था, आई लेस देन इक्वल टू 10, समझ गए। अब ये वाइल लूप है, फोर की तरह ही चलता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर ज़्यादा कोई टेंशन में मत आ जाना कि क्या हो गया इसके अंदर, इसको हटा देते हैं, ऐसा नहीं हैंग हो जाए पूरा, ठीक है। ये सिंपल वाइल लूप है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डू वाइल लूप। अभी लूप पीछे नहीं छोड़ने वाले, मैंने पहले ही पिछली क्लास में बताया था 6-7 किस्म के लूप होते हैं, आगे वाले ईजी हैं सारे, समझ। से फोर का लूप ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन यूज सबसे ज़्यादा वही होता है फोर का। अब वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर का लूप, सब सेम ही काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। कौन कौन से लूप आ गए। अब डू वाइल का उर्दू में मतलब बताना पड़ेगा, डबल भी आएगा अभी, मतलब एक लूप, अभी तो एक लूप से जान छूटी नहीं, अब एक लूप के अंदर एक और लूप भी आएगा। लेकिन अभी नहीं है वो, उसको नेस्टेड लूप कहलाता है, हम कल पढ़ेंगे, वो नस फाड़ देगा आप लोगों को। अब नेस्टेड आ गया एक लूप, तो आप पहले कौन सा चीते लगे हुए थे, एक ही दफा में सारी पढ़ ली। पता नहीं, चलो समझाओ मुझे। ये थोड़ी देर में बोलेगा नहीं भी ठीक है। अच्छा खैर, डू वाइल लूप भी कैसे बनेगा देखो। लेट वही काम होगा, लेट आई इक्वल टू 1 से चलाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आएगा डू, पहले क्या आएगा डू, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन उल्टी है। ऊपर क्या होता था कि पहले कंडीशन चेक होती थी फिर बॉडी आती थी, ऐसा ही पहले कंडीशन चेक होती थी फिर बॉडी आती थी, यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले बॉडी है बाद में कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ पे उल्टा है। लेकिन कंडीशन चेक होने से पहले वाइल भी आ रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो अगर इसको भूल भी जाओ तो यहाँ पे बना बनाया मिल जाएगा डू वाइल, ये आ रहा, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं वैसे समझा रहा हूँ कि पहले डू आएगा फिर इसके कर्ली ब्रैकेट आएंगे
फिर बाद में आके कंडीशन चेक कर रहा व्हाइल, मतलब कंडीशन यहाँ पे बाद में चेक हो रही है, पहले प्रिंट होगा। लेकिन इसमें नुकसान है और ये यूज नहीं होता। अब मैंने ये बोल दिया ना, अब नहीं समझोगे आप लोग, ये यूज नहीं होता रियल लाइफ में। इसमें क्यों यूज नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम है छोटी सी। देखो आई, मैंने बोला आई लेस देन, अगर आई छोटा है 10 से, 10 टाइम चला रहा हूँ ठीक है। अगर आई बराबर है 1 के तो आप लॉक कर दो किसको, आई को ठीक है। कौन देख रहा है ड्रामा, आई के अंदर प्लस प्लस कर दो ठीक है। अब यहाँ पर मैं आया, इसको चलाते हैं ठीक है। तो पेज को मैंने क्या करा, रिलोड करा, वैसे चल रहा है, देखो देख समझ रहे हो, ये वैसे ही चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क क्या है दिखा देता हूँ मैं। मैंने इक्वल टू लगाया, इसको चलाया 1 से लेके, देखो वैसे का वैसे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी वैसे चल रहा है, देखो आई बराबर है 1 के, ये कोड लाइन में लाइन चलता है ना। देखो जब भी कोई प्रोग्राम सामने आ जाए ना, उसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले इमरान खान बोलता, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पर भी वही है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा प्रोग्राम आ जाए, चाहे 10,000 लाइन का कोड आ जाए, कोड चलता ही लाइन में लाइन है। एक एक चीज़ पढ़ते रहो, खुद ही चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जैसे इतना कोई खतरनाक लग रहा होगा, नहीं है खतरनाक, मैं इसको समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। भाई सबसे पहले तो आपको पता लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो आई बराबर है 1 के, नीचे आएगा सबसे पहले प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा ठीक है। आई के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 प्रिंट कर देगा। अब वो प्लस प्लस हो रहा है, तो 1 में प्लस प्लस करेगा 2 हो जाएगा। अब इधर क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, तब वो बोल रहा है कि 2 छोटा है 10 से, अगर छोटा है तो वापसी जाके फिर वो इधर आ जाएगा, फिर कंसोल कर देगा, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा चलते रहेगा। अब यहाँ पे फॉल्ट है, अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो क्या होगा, आई ये बराबर है 1 के, मैंने बोला कि यहाँ पर अब कंसोल कर दो 1 को, अब उसको मैं बोल रहा हूँ इंक्रीमेंट कर दो, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 2 बड़ा है 10 से, 2 गलत है ना, मतलब लूप चलेगा नहीं, तो उसने 1 टाइम तो वो प्रिंट कर दिया होगा, तो ये वो 1 यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा होगा। इसमें ये मसला है कि कंडीशन अगर गलत भी होगी तो वो भी एक बार लूप पहले एक दफ़ा चला ही देगा, वो पहले चक्कर तो उसको एक दफ़ा चला ही देगा। वो प्लस तो हुआ था, तो प्लस तो प्रिंट तो, देखो रुको रुको, लूप चल पहले प्रिंट हो गया ना, इंक्रीमेंट तो बाद में हुआ है ना, तो बाद में हुआ ना लूप, प्रिंट तो वो पहले ही हो गया समझ रहे हो। अब वो इंक्रीमेंट तो हुआ होगा, यहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स हुई तो आपसे आके अपने प्रिंट करा दी, तो वन ही प्रिंट रहा वो। ये इसमें मसला है कि वो एक दफ़ा चले या नहीं चले, ये आपको प्रिंट करके देगा ही देगा। तो पहले तो काम करो, पहले तो 4 का लूप चलाओ, अपना नाम जो है 10 दफ़ा लिख लिख कर दिखाओ लूप के अंदर, दूसरा टास्क कर लो। ये तो लूप वाला है, 4 के लूप वाला जो कि ईजी है। असल टास्क अभी जो मैं देने जा रहा हूँ, आपने क्या करना है, यूज़र से एक नंबर देना है, मतलब एक गेम टाइप का प्रोग्राम बनेगा, गेस द नंबर वाला। ये नॉर्मल प्रोग्राम है, आपने बनाया गेस द नंबर कभी, ठीक है। गेस द नंबर का एक मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ ठीक है, और हमने आप लोग समझ रहे हो, तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर यूज़र एक नंबर देगा, पहले नंबर पे आपने यूज़र से नंबर लेना है, समझ रहे हो बात को। हाँ, दूसरी चीज़ फिर चलेगा वाइल का लूप, ये 4 के लूप से नहीं होगा, फिर चलेगा वाइल का लूप। और इसके अंदर हम यहाँ पर एक हार्ड कोड, एक वेरिएबल बना कर नंबर सेव करके रख देंगे, इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 50, तो ये नंबर हमारे प्रोग्राम में बैंड जैसे सेव हुआ हुआ होगा, समझ रहे हो। जैसे 50 मैंने सेव कर दिया, अब जो यूज़र नंबर दे रहा है, अब यूज़र को चाहे वो 100 लिखे, 50 लिखे, 20 लिखे, 30 लिखे, हमें पता नहीं कितने लिखेगा। अगर यूज़र वो नंबर गलती से 50 लिख देता है, तो हम उसको ये शो कराएंगे कि यू विन, कि आपका मतलब नंबर हमारे प्रोग्राम से मैच कर रहा है, वरना तो हम बार बार उसको प्रॉम्प्ट देते रहेंगे कि बार बार इसमें वैल्यू इनपुट करते रहो, जब तक आपका नंबर हमारे पास फिट नहीं बैठ जाए, तब तक सही नहीं आता है। जैसे ही मैच कर जाएगा वो, तो प्रोग्राम रुक जाएगा, उसको बोलेगा यू विन, वरना तो बार बार ही उसको प्रॉम्प्ट देता रहेगा वो, तो नंबर एंटर करो, नंबर एंटर करो, गलत दे रहे हो। आपने 100 दे दिया, मैच नहीं हुआ, फिर प्रॉम्प्ट आ जाएगा,
फिर बोलेगा फिर एंटर करो। सबसे पहले प्रॉम्प्ट चला, समझ रहे हो, ये बोलने वाला पता नहीं होने क्या वाला आपके। देखो पहले प्रॉम्प्ट चलेगा, प्रॉम्प्ट में आगे ये कर देगा नंबर, इंटरव्यू नंबर, अब वो नंबर कुछ भी दे दे। हमें यहाँ पे व्हाइल लूप से करना है, ऐसा कुछ ये है कि बार बार जो है यूजर को प्रॉम्प्ट भिजवाना है, तब भिजवाना है जब वो गलत नंबर दे, जब हमारे से मैच ना कर रहा हो। जब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना के नंबर सेव किया हुआ होगा, अगर जो यूजर नंबर दे रहा हो अगर इस नंबर से मैच नहीं करे, इसके बराबर ना हो, तो बार बार उसको प्रॉम्प्ट जाता रहे यूजर के पास। प्रॉम्प्ट मतलब के एंटर करो वैल्यू, समझ रहे हो। अब वो चाहे 100 दफा ट्राई कर ले, 100 दफा गलत दे रहा, 100 दफा आते रहे, 1000 दफा, जितनी दफा दे चार आते रहे बस वो। अब जो बार बार देने वाला जो काम हो रहा है ना, हमें नहीं पता वो कितनी दफा में सही कर देगा। आपको पता है कितनी दफा में, पहली दफा में सही दे दे नंबर, वो दूसरी दफा में दे दे, तीसरी में, आपको पता है आपके हाथ में नहीं है। तो ये लूप के हाथ में, कि लूप आपको पता बार बार चलते रहता है, तो लूप यही काम करेगा, बार बार चलते रहेगा। अब लूप में कंडीशन आ जाती है, असल चीज है कंडीशन, जिसकी वजह से व्हाइल लूप को मैंने बोला कि यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि जब तक चले ये लूप, जब तक चले जब वो नंबर यूजर दे दे हमारे नंबर से मैच हो जाता है, तो लूप को रोक दो, वरना तो लूप चला के रखो, बार बार यूजर को प्रॉम्प्ट भिजवाते रहो, समझे। ट्राई करो, थोड़ा सा हार्ड है लॉजिक है, लेकिन प्योर लॉजिक लगेगी, और जावा की पूरी लॉजिक से भरी हुई है, लॉजिक नहीं आती तो कुछ भी नहीं आता आपको। स्टार्ट हो जाओ।